अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ केस अफसर और स्मार्ट सिटी के अफसर मोहतरमा बेल्लारी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपने अभी तकरीर में कहा कि KSIS अफसर होना चाहिए ताकि कौम की हम खिदमत भी कर सकते हैं। आज निज़ामिया बैतुल माल के इस इजलास में हमारी मैडम बतौर ख़ास मेहमान रही। मैडम, उमूमन हम ये देखते रहते हैं कि तालीम बहुत अहम एक शोबा है, और अगर आज हमारी कौम पिछड़ चुकी है तो इसके अंदर कहीं तो भी पिछड़ी हुई है, इस तरह से कहा जाए। लेकिन आपको तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरह दूसरी तरफ हम कहीं पर KSIS IPS अफसर देखते हैं, कम्युनिटी की खिदमत करते नहीं देख रहे। मतलब अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उम्मत को बहुत ज़रूरत है। अगर अफसर बनाते हैं तो अफसरों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, लेकिन जिस मकाम पर जाकर बैठने के बाद वहाँ पर कम्युनिटी का काम तो नहीं करते, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर कौम याद आती है, फिर आ जाते हैं। सर, वैसी बात नहीं है। जो ऑफिसर्स अगर हम गवर्नमेंट को होते हैं तो हमारी कौम की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारी रियासत की तरफ भी है। सर, सिर्फ हम कौम की एक तरफ रख के हम लोग नहीं सोच सकते, हमें पूरे माशरे के लिए काम करना पड़ता है। कौम ही को भूल दिया जाता है? नहीं नहीं, कौम को वो नहीं भूलते सर, क्योंकि वहाँ से तो हमारी जड़ें रहती हैं सर, तो लोग अपनी जड़ों को कभी नहीं भूल सकते सर। कोई हमारे ऑफिसर्स जो ऑलरेडी हमारे कौम के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं सर, लेकिन वो क्या है, दिखा के करना ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन हम लोग कर रहे हैं सर कौम की खिदमत। लेकिन कहीं तो भी ऐसा नहीं लगता, माशरे की भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने आज अपनी तकरीर में बताया कि तदबीर के दस्त जर्रे से तकदीर दश कशा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तो हमारे माशरे के लोगों को, हमारी कौम के लोगों को खुद से कदम बढ़ाना चाहिए सर आगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है सर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए माइनॉरिटी के बच्चों के लिए सेपरेट कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बेंगलोर में क्या है सर, विथ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, सेलेक्शंस हुए हैं सर। तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत कम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत कितना ज़्यादा हमने उसका। मैडम, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप तो है, देखिए आप जिस लिबास में उस जगह पर, ऐसी हुकूमतें जब BJP की भी हुकूमत रही, हुकूमतें बदलती रहती, वहाँ पर आप खिदमत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उमूमन हमने देखा है, पुलिस अफसर है, कमिश्नर लेवल तक भी पहुंचते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह का एक दबाव कहीं तो भी देखा जाता है। मैं दूसरों के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी सर, I will not comment। लेकिन हमारी, मैंने जैसे आपको बोला कि हम अपने जड़ों को, अपनी बेस को हम लोग नहीं बुला सकते सर, वी आर देर, हम कौम की खिदमत करने के लिए हर हमेशा जो हमारे हमारे जो आईन हमको ये करता है, जो एक्ट और रूल्स के अंदर है, उसके अंदर रहते हुए हम लोग कौम की खिदमत करने के लिए हर हमेशा क्या है, तैयार हैं सर। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए कभी भी हमारी खिदमत, मेरी खिदमत क्या है सर, हाजिर है। आप कभी भी क्या है, मैं एक बात आपने वहाँ पर और एक कही कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, तो सोसाइटी में कहीं तो इनबैलेंस होता नज़र आ रहा है, फिर आगे चलकर तलाक, खुला, इस तरह की नहुसतों का मुकाबला करना पड़ता है, मुलविस होते हुए समाज का एक बड़ा हिस्सा, इसमें से कैसे बाहर, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ रही हैं आगे जा रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे, तो इसको कैसे तवाज़न, किस तरह से इसको। इसलिए लड़कों को क्या है सर, हम जो मैंने अपनी तकरीर में बताया कि बचपन से क्या है, हमको वो तरबियत उनको देनी है सर, घर से तरबियत क्या है, थोड़ी तरबियत की कमी और संगत का असर, बाहर मोबाइल का असर, TV का असर, और क्या है सर, ये जो गाड़ियों का शौक बहुत आ गया है आजकल हमारी जनरेशन में, बाइक्स रहने या कार्स वगैरह और मोबाइल्स का, तो क्या है, हमको बचपन से ही क्या है, एक तरबियत देनी चाहिए सर। तो लड़की है, तुझे हद में रहना है करके बोल के हम ज़्यादा लड़कियों की तरबियत की तरफ ध्यान दे रहे हैं सर, बचपन से हम लोग लड़कों की तरफ ज़्यादा
तवज्जो नहीं दे लड़कियों के अंदर, मैं ये बता रहा था ज्यादा उनको हम अंग्रेजी तालीम और कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स को डाल रहे हैं और उर्दू मीडियम से हम लोग मादरी जुबान से भी दूर हो रहे हैं सर। नहीं, लड़कियों में भी ये देखा जा रहा है कि जब वो तालीम ज्यादा हासिल करती हैं तो उनके अंदर एक तकबुरी पाई जाती है क्योंकि सामने शोहर कम पढ़ा लिखा होता है, तो इस तरह से समाज में ये इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं सर, वो इम्बैलेंस को दूर करना ही हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है सर। तो इसको हम क्या है, रूट कॉज क्या है सर, घर से, और हम घर से क्या है अगर तरबियत शुरू करते हैं तो हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।